हे गाइस, तो मेरा नाम आकाश है। जैसे कि आप जानते हो, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक पाइथन के नए प्रोग्राम के बारे में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं यहीं से। नाउ मैं आपसे बात कर रहा था एक नए प्रोग्राम के बारे में, पाइथन के प्रोग्राम के बारे में, राइट? तो वो प्रोग्राम हम क्या बनाने वाले हैं? ठीक है, हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं इफ कॉन्फिग की, और आप करते हो अपनी आईपी देखते हो, ठीक है, तो एलओ करके, जैसे कि मैं लूप बैक की आईपी दिखाऊंगा आपको, ठीक है, तो ये आईपी की आपको जरूरत होती है ओनली। ठीक है, आप बस इसमें से यही आईपी देखना चाहते हो और कुछ नहीं देखना चाहते हो। ठीक है, ऐसे एक और है, मैं डॉकर भी मैंने इंस्टॉल कर रखा था, उसका भी एक इफ नेम बना होता है, ठीक है, इंटरफेस, ठीक है, तो उसमें आपका कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा आपको, और आईपी भी आपको उसमें भी ऐसी मिलेगी। अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो, अगर आप इथरनेट यूज़ कर रहे हो, तो उसमें भी आपको इसी तरीके से आईपी देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि लूप बैक में मिल रही है। ठीक है, तो अब हमें ये प्रोग्राम बनाना है कि हमें बस ओनली इसमें से हमें यही चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि बस मुझे ये दिखे, और मैं मुझे और किसी भी चीज से काम नहीं है, ये सब मेरे को नहीं चाहिए, मुझे बस इस चीज से काम है, राइट? तो इस चीज के लिए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, और मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, जैसे कि मैं लास्ट वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में मैं एग्जीक्यूट यहाँ पर करता था अपनी प्रोग्राम को, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं इसको खोल के रख लूंगा, ताकि मेरे को पता लगता रहे कि मेरे को प्रोग्राम अब किस तरीके से बनाना है और मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, तो प्रोग्राम हम यहीं पर ही बनाएंगे और इसको पीछे कर देंगे, हमें बस किस तरीके से बनाना है अब मैं वो स्टार्ट करता हूँ। तो इफ कॉन्फिग में ये एक फाइल है, ठीक है, इस फाइल के अंदर मैं बनाऊंगा, ओके, यहाँ पर हम कुछ चीज़ें यूज करने वाले हैं, कुछ मॉड्यूल्स, ठीक है, वो मॉड्यूल्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा अभी कि किस तरीके से। वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था, पाइथन ये हमने लिखा शिवैंग के बारे में तो वैसे ही मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे SH, अगर आपको पता है कि SH आपको किस तरीके से इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको इंस्टॉलेशन के लिए आपको अगर आप SH इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करना है। अगर आप रूट यूजर से हो तो सिंपली आपको सूडो नहीं लगाना, अगर आप नॉर्मल यूजर से हो तो आपको सूडो लगाना है, ठीक है, pip install sh, सिंपल ऐसी। अगर आप चाहते हो कि इसकी रिक्वायरमेंट्स के एरर आ रहे हैं या अच्छे से इंस्टॉल नहीं हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको जाना है py, मैं आपको वेबसाइट लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, डोमेन लिख देता हूँ सिंपली py, ठीक है, .python.org, और वहां पर आपको सर्च बार मिलेगा, ठीक है, और सर्च बार के अंदर आप सर्च करोगे SH मॉड्यूल, और वहां से जाके GitHub उसका होम पेज होगा, और होम पेज में जाके उसको GitHub को क्लोन कर लेना आप सिंपली, ठीक है, GitHub, और इंस्टॉल आपको किस तरीके से करना है, वो इंस्टॉल आपको करना है सूडो, नॉर्मल यूजर से हो तो सूडो, पाइथन, आपको उसमें एक रिक्वायरमेंट्स वाली फाइल मिलेगी, ठीक है, तो वो आपको सूडो पिप करना है, pip इंस्टॉल -r देन रिक्वायरमेंट वाली फाइल .txt, ठीक है, इस तरीके से, और वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हो जाएंगी, और इसी तरीके से वहाँ पर सेटअप वाली भी फाइल होगी, आप उसको सेटअप वाली को भी इंस्टॉल कर सकते हो, पाइथन इंस्टॉल पाइथन सेटअप .py इंस्टॉल, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपका ये SH मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं इसको कट कर देता हूँ इन लाइन्स को, ठीक है, क्योंकि हमें प्रोग्राम वहीं से ही बनाना है, ओके, इंपोर्ट करते हैं एक और मॉड्यूल जो कि आपको पहले से बाय डिफॉल्ट इसमें इंस्टॉल मिलेगा, और इंपोर्ट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन जिसके लिए हम यूज करते हैं RE, ओके, अब यहां से हम बनाएंगे अपना फंक्शंस,
मतलब कि मैंने अपना कोड, अब यहां से हम करेंगे अपने कोड स्टार्ट। तो मैं यहां पर रखूंगा फाइंडर, इसका नाम मेनली, ठीक है, और इफ नहीं फाइंडर, फाइंडर को हमने कॉल कर दिया। अब यहां से हम बनाएंगे अपने प्रोग्राम को। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ आईपी एडीडीआर करके समथिंग, ठीक है, और sh डॉट if config में हम यूज कर रहे हैं, और यहां पर लगाएंगे हम sys argv और 1, ठीक है, 1 इसलिए कि हम जो भी आर्ग्यूमेंट देंगे, लाइक हमने lo दिया था लूप बैक के लिए, if config lo तो लूप बैक, ठीक है, तो हम यहाँ पर वही देंगे अपने, जैसे कि डॉकर जीरो या समथिंग जो भी आपका है, इंटरनेट जीरो, ठीक है, ETS जीरो या WLAN जीरो, जो भी है इस तरीके से आप दे सकते हो, ठीक है, स्क्रिप्ट के बाद। अब यहाँ से हम प्रिंट करवाएंगे, मतलब रीड करवाएंगे लाइंस को, तो मेरे को फाइल में नहीं डालना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ओपन हम तब करते थे जब हम कोई कोई फाइल बना रहे हैं और उसके अंदर हमको डालना है, और या तो हम कोई फाइल को ओपन करके उसको रीड करवा रहे हैं, ठीक है, वो फाइल वाला केस था, बट अभी हमको लाइन बाय लाइन इसको रीड करवाना है, राइट। तो फोर मैं यहाँ पर लिखूंगा if conf लिख देते हैं, ठीक है, if conf हम वेरिएबल बना रहे हैं, फोर ये इन IPADDR, देन क्या हो if, अब मैं इसमें से मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा int ADDR, अगर ये है तो प्रिंट हो इन ADDR, अगर ये इसमें है देन प्रिंट IPADDR, ओके। अभी देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी लाइंस प्रिंट होंगी, तो मैं आ जाता हूँ वापस इधर और इसको कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, और मैंने फाइल बनाई है पाइथन इफ कॉन्फिग के नाम से, हेलो, अभी ये सारा प्रिंट कर रहा है, बट मैं नहीं चाहता कि ये सारा प्रिंट करे। ओके, तो हमने कुछ गलती की थी, ठीक है, वो गलती को हम सुधारते हैं। तो हमने गलती करी थी यहाँ, इफ यहाँ लिखेंगे इफ कॉन्फ देन प्रिंट हो इफ कॉन्फ, ठीक है, इसीलिए ये मेरा सारा का सारा प्रिंट हो गया। ओके, अभी प्रिंट करते हो तो एक लाइन आ रही है, ठीक है, अब मुझे इसमें से क्या करना है, अब मुझे बस इसमें से ये चीज चाहिए, ठीक है, इसके लिए अब हम यूज करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस, तो वो किस तरीके से यूज करना है अब देखते हैं, ठीक है, ये आ गए इधर, और इसको हटा देते हैं इस लाइन को, ठीक है, अब हमें सिर्फ ओनली चाहिए वो, तो हम लगाएंगे सबसे पहले एक और वेरिएबल बना लेते हैं, तो अब बनाते हैं इफ कॉन के नाम का इक्वल टू आर ई डॉट एस सर्च, और हम इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे, ठीक है, डब्ल्यू से हमारे नाम आ गए, मैं थोड़ा सा देख लूँ, ठीक है, हमें बस इतना ही चाहिए, ये मास हमें नहीं चाहिए, तो ये आ गया हमारे नेम, इसके बाद है स्पेस, ठीक है, ग्रुपिंग कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट हमारा ये आ गया, अब इसके बीच में स्पेस है, स्पेस में हम लगाएंगे ये, ठीक है, और इसके बाद में है हमारा ये, अब मैं इसमें से चाहता हूँ कि ये ना आए, ओके, तो इसमें से मैं इसको करूँगा, इनको लिख दूंगा मैं बाहर इससे, ठीक है, और अब मुझे चाहिए नंबर्स, तो डी फॉर डिजिट्स, और डॉट्स के लिए मैं डॉट लिखूँगा, और इसमें है मुझे ये सारे चाहिए, तो सारे के लिए मैं लगाऊंगा ये, और इसमें लगाऊंगा मैं यहाँ, और यहाँ पर लगाऊंगा प्लस, ठीक है, ये होगा हमारी ग्रुपिंग। अब देखते हैं कि ये सही है या नहीं, तो इसके लिए हम लिखेंगे इफ कॉन देन प्रिंट इफ कॉन डॉट ग्रुप, और ग्रुप में हम लिखेंगे थर्ड, तो मुझे चाहिए ये थर्ड वाला ग्रुप, ये वाला, तो थर्ड, ठीक है, अब करते हैं राइट,
और यहाँ आते हैं वापस, और अब लिखते हैं LO। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में हमें दो देने हैं, तो वहाँ पर RE.search में मैंने गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, तो डॉट इफ कॉन्फ। ठीक है, अब करते हैं इसको राइट और अब चलाते हैं। देखो IP आ गई, अब इसको थोड़ा सा और मज़ेदार बनाते हैं। ठीक है, आ गई हमारी IP। अब यहाँ लिखते हैं हम योर IP ADDRS इज दिस, देन प्लस, और इसको हम बना देंगे स्ट्रिंग str। देन अब देखते हैं, अब थोड़ा सा मजेदार लगेगा। योर IP एड्रेस इज दिस, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ docker.0 तो योर IP एड्रेस इज दिस। कैसा लगा प्रोग्राम? अच्छा है तो लाइक करना। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स है, जाओ उसमें पूछो। ठीक है, जो भी पूछना हो आप जो भी ड्रॉप ड्रॉप कर देना अपना मैसेज, ठीक है आंसर दूंगा। और सोशल साइट्स हैं, ठीक है उस पर भी जाओ लाइक करो पेज को। ठीक है, और वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ कभी, आज ही बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करना सबसे मस्ट है, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी तरीके की वीडियोस लाऊंगा और आपको ऐसी तरीके की वीडियोस लेटेस्ट आपको मज़ेदार मज़ेदार देता रहूँगा। ठीक है, तो बाय बाय एंड टेक केयर।